करता हूँ। जहाँ तक कि खुशी का सवाल है, खुशी बहुत है, बहुत अच्छा लगा जब फिल्म का रिस्पांस अच्छा रहा, ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा रहा। जहाँ तक कि कलेक्शन का सवाल है, अंतर्यामी नहीं हूँ, बता नहीं सकता कि कहाँ तक जाएगी। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि फिल्म की ओपनिंग अच्छी रही। कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं नर्वस था एंड कि फिल्म जब रिलीज़ होती है किसी को नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। फिल्म ज़रूर यही था, ये ज़रूर था कि स्क्रीन प्ले और इसकी स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी इसलिए फिल्म की थी, बस उतना ही कॉन्फिडेंस था, बाकी नर्वसनेस काफ़ी थी इस फिल्म को लेकर। बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए हमने कई फिल्में साथ में की हैं और आगे भी यही है कि साथ में और काम करना चाहेंगे एंड कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो ज़रूर करेंगे। हाँ जी, इस तरह की फिल्में और भी आगे करना चाहेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी स्क्रिप्टें मिलती हैं, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो किस्मत से मिलती है, और अच्छी स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, दिन में 2-3-4 आते हैं, लेकिन कौन सी अच्छी लगती है वो आप पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है। सो आई होप और कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो जरूर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एक कई कई असल ज़िंदगी की घटनाओं को लेके वो फिल्म बनाते हैं, और ऐसे सीन्स ऐसी स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट लिखते हैं कि जब हमने जो हमने कभी किसी डीवीडी में नहीं देखी, कोई लैंग्वेज में नहीं देखी, तो कुछ नया नया चीज़ देखने मिलता है, और उनका टेक जो होता है स्क्रिप्ट को लेके बहुत अलग ढंग से होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग है उनकी। जी, इसमें 100% सच्चाई है। अब जब रुस्तम इस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपने कहा था कि पार्टी वगैरह भी होगी। और जी, मैंने कब कहा था ये? बिल्कुल, आपने कहा था आप दूसरे डायरेक्टर्स के दूसरी फिल्म के टीम के साथ भी पार्टी करेंगे, दोनों फिल्म में कामयाब हो। हाँ, वैसे तो अभी तक तो पता नहीं है इसका, पता नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त ये इंटरव्यू ख़त्म करके लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी शूटिंग है जॉली LLB की, तो पार्टी का तो अभी पता नहीं है। आई थिंक बायोपिक हैज़ बीन पिक्ड अप बाय ऑडियंस इन अ गुड वे एंड इट्स ग्रेट दैट बायोपिक इज समथिंग लाइक इट्स अबाउट ग्रेट पर्सन्स स्टोरी विच कम्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस एंड दे वुड लव टू सी हाउ दे बिकेम ग्रेट। So it's good to make biopic. Biopic works for India, and so it's good that people are making it. किसी ऐसे व्यक्ति की biopic आप करना चाहते हो, आपके विचार क्या हैं? Actually, अभी तक सोचा नहीं इसके बारे में। Okay sir, ये भी खबर है कि there process going in the industry, planning to make a biopic on R.D. Burman, sir. Your take on that? जी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्या आप मानते हैं as an actor कि R.D. Burman He was a genius. They should make it. He was a genius, yeah. यही कि it's good that people acknowledge people's work
and at one of the functions at one of the places where I thought they have acknowledged it and I should also acknowledge it. So I just gave them some checks and that's it. हाँ जी जनाब पूछिए ना जी सर अब हाउस फुल थ्री के समय आपने कहा था कि जो अलग जॉनर की फिल्म करने जा रहा हूँ पहले आपने हॉलीडे दी थी उसके बाद हाउस फुल थ्री कॉमेडी थी तो क्या थॉट प्रोसेस होता है और अभी रुस्तम तो क्या थॉट प्रोसेस होता है जब कोई भी फिल्म आपके पास आती है या फिर आप साइन करते हो थॉट प्रोसेस यही होता है कि फिल्म चले बस इतना ही होता है I don't know whether I suit. First of all, the जो भी बनाएगा, he has to think whether I suit the character or not. मुझे नहीं पता. मैंने इसके बारे में आज आप अगर इतनी जल्दी पूछोगे, तो मैं नहीं कह सकता. इसके बिना इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि it's a big character you're playing. It is not a small personality. It's a big personality you're talking about. So I cannot answer this like this. वो जी मैं उनको पर्सनली कह दूँगा नहीं जी मैं पर्सनली कह दूँगा पार्टी वार्टी भी कर लूँगा अगर करना हो तो जी मुझे अभी तक नहीं पता अभी तक सोचा नहीं इसके बारे में जनाब कहाँ देखने मिलेगा नहीं जी मैं समझ रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ अभी अगली फिल्म के लिए माई कॉन्सेंट्रेशन इज़ गोइंग टू बी ऑन दैट फिल्म नाउ बिकॉज आई हैव टू कम्प्लीट दैट फिल्म एंड आई डोंट नो माई प्रोड्यूसर जी एंड दे आर गोइंग टू थिंक ऑफ इट वॉट दे आर गोइंग टू डू एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू कम अप विद समथिंग गुड अभी फिलहाल नहीं कह सकता अभी तो चालू हुई है फिल्म एंड मैंने रिसर्च जैसे इन्होंने कहा कि मैं रिसर्च नहीं करता हूँ मेरे डायरेक्टर डायरेक्टर ही कर लेते हैं तो बेस्ट है मेरे डायरेक्टर ही करते हैं I think it is very practical. I think क्योंकि जो लोग इन सब चीज़ों से सम्मानित होते हैं ठीक है बहुत बड़ी बात है एक सर्टिफिकेट मिलना मेडल मिलना बहुत बड़ी बात है लेकिन आप इतने सारे लोग खड़े हैं मैं आपसे सबसे प्रश्न पूछता हूँ क्या पैसे मिलना डोंट यू थिंक सो दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल क्योंकि मैं देखता हूँ उन लोग आते हैं कितने गरीब खानदान से होते हैं कई लोग जिनको पैसों के मैंने कई बार देखा है अपने मेडल बेच के वो पैसे लेना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम घटनाएं आप सब सुन चुके हैं सो इट इज़ बेटर कि जब आप सम्मानित करो उनको मेडल के साथ भी करो पैसों से भी करो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ जी वो तो बहुत अच्छा है इस टाइम हम इसे इन्होंने रखा भी है हमारे गवर्नमेंट ने कि जो भी जीतेगा ओलंपिक के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर ब्रॉन्ज उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे सो इट्स ऑलरेडी बीन देयर सो वी डोंट नीड टू पास हिम ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब नहीं जी फिलहाल मैंने नहीं देखी मैम बट आई श्योरली होप गोइंग टू सी इट वेरी सून I don't know about the trend, but surely we both are very good neighbors and very happy neighbors, and we respect each other.
and that's the most important thing. That's it. I'm not allowed to talk, darling. Okay. My whole agreement will get cancelled. Yeah. Anything else? Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.